जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है, उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है
कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ
कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ
और जोर से कहना चाहता हूं कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैचेस से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए, यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है, यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूं और जोर से कहना चाहता हूं कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैचेस से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए, यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है, यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूं और जोर से कहना चाहता हूं कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैचेस से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए, यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है, यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूं और जोर से कहना चाहता हूं कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैचेस से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम
पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए, इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूं और जोर से कहना चाहता हूं कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का, बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए, इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने, मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूं और जोर से कहना चाहता हूं कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का, बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए, इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है।
उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं
भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने, मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से
संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का बेच